Hello friends, good morning. I am Naval and you are watching Manav Feature Band channel. Friends, आज हम आपके लिए subject verb agreement का 7 chapter लाए हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि 7 chapter में subject verb agreement का एक पूरा निचोड़ दिया गया है जो टेबल के हिसाब से है. तो आपको ये टेबल अच्छी तरह से समझनी है और पढ़नी है और इसके साथ साथ यह वीडियो आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल लास्ट तक देखनी है, तभी आपको यह टेबल समझ में आएगी. देखिए, संख्या नंबर वर्ड्स नॉन प्रोनाउन वर्ब. फर्स्ट, नो. अगर किसी सेंटेंस में नो दिया जाए और नो के साथ में अनकाउंटेबल नाउन हो, नो के साथ में अनकाउंटेबल नाउन हो, तो आपको जो वर्ब लगाना है वो लगाना है सिंगुलर. नो के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो वर्ब क्या लाएगी? सिंगुलर. अगर नो के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, अगर नो के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है. ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए. अगर 1/3 ऑफ हो, 3/4 ऑफ हो, द रेस्ट ऑफ हो, आ क्वार्टर ऑफ हो, पार्ट ऑफ हो, 10% ऑफ हो, 20% ऑफ हो, अगर ये दिया जाए और उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया जाए तो आपको जो वर्ब लगानी है वो आएगा प्लूरल. क्लियर? आगे देखिए. 1/3 ऑफ हो, 3/4 ऑफ हो, द रेस्ट ऑफ हो, आ क्वार्टर ऑफ हो, पार्ट ऑफ हो, 10% ऑफ हो, 20% ऑफ हो, अगर ये आए और इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन दी जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब का उपयोग करना है. यानी अगर इनके साथ में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन दी जाएगी तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन दी जाएगी तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. क्लियर? आगे देखिए. मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, अगर ये दिए जाएंगे और इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन दी जाएगी तो आपको जो वर्ब लगाने वो आएगा सिंगुलर. अगर ये दिए जाएंगे, अगर इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आती है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर. आगे देखिए. सिक्स रूल. मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अगर ये दिए जाएंगे और इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन दी जाएगी तो आपको जो वर्ब लगानी वो आएगी प्लूरल. अगर इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन दी जाती है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है. अगर इनके शब्दों के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है. आगे देखिए. सेवंथ, द परसेंट ऑफ. अगर द परसेंट ऑफ आए और उसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आए या प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो आपको जो वर्ब लगानी वो आएगी सिंगुलर. या तो इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन दी जाएगी या प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया जाएगा तो आपको वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर. किसके साथ में? द परसेंट ऑफ के साथ में. आगे, मोर देन वन. मोर देन वन दिया जाए उसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन दी जाए तो आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर. मोर देन टू या थ्री, यानी वन से अधिक हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, कुछ भी हो, और उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन दी जाए तो वर्ब आपको लगानी है प्लूरल. अगर वन दिया जाएगा तो सिंगुलर, और टू, थ्री, फोर, फाइव, मोर देन के बाद में दिया जाएगा तो उसको लगाना है वर्ब प्लूरल. मोर आएगा, मोर, एम ओ आर ई. अगर उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन दी जाएगी प्लस देन वन दिया जाएगा तो जो वर्ब आएगी वो आई प्लूरल. क्लियर? अब फ्रेंड्स, इनके कुछ एग्जांपल देख लीजिए. जैसे लिखा है, मोस्ट ऑफ द मनी That is last.
sorry last name sorry lost most of the money that does lost. अब आपको इसमें is लगाना है क्या लगाना है, क्या लगाना है देखिए देखिए most of the money that does lost इसमें is आएगा आ रहेगा क्या आएगा देखिए मैंने भी आपको बताया था उस टेबल में most of some of half of enough of not enough of plenty of a lot of lots of अगर इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन दी जाती है तो वर्ब क्या आएगी सिंगुलर अब मनी क्या है काउंट है अनकाउंट है अनकाउंट है तो वर्ब क्या आएगी यहां पर सिंगुलर तो क्या आएगा यहां पर इज क्लियर आगे देखिए हाफ ऑफ द मिल्क डैड हैज बीन स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड मींस बर्बाद होना अब आपको इसमें हैज लगाना कि हैव क्या आएगा अब देखो हाफ ऑफ आ गया हाफ ऑफ ये लिखा है अब हाफ ऑफ के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो वर्ब क्या लगाना है सिंगुलर मिल्क क्या है अनकाउंटेबल तो वर्ब क्या आएगी सिंगुलर तो हैज के बाद ओ मिल्क के लिए क्या लाएंगे हैज तो यहां पे क्या आएगा हैज आगे लिखा है मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डेड एस ऑन स्ट्राइक अब डॉक्टर्स को काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं डॉक्टर्स को काउंट कर सकते हैं तो मोस्ट के बाद में ऑफ आ गया मोस्ट के बाद में क्या आ गया ऑफ अब मोस्ट के बाद में ऑफ दिया है ये रहा जिसको हम काउंट कर लेते हैं यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो यानी बहुवचन हो तो उसके साथ में बहुवचन यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं अब मोस्ट ऑफ आ गया उसका प्लूरल भी आ गया तो वर्ब क्या आएगी प्लूरल तो यहां पे क्या आएगा आर आगे हाफ ऑफ द ऑरेंजेस डेड डैश रॉटन अब हाफ ऑफ कहां लिखा है देखिए हाफ ऑफ ये रहा अब ऑरेंजेस है इन्हें हम काउंट कर सकते हैं अब काउंट कर लेंगे तो वर्ब क्या आएगी सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी वर्ब क्या आएगी काउंट करने पर प्लूरल तो यहां पर क्या आएगा वर्ब इसके बाद लिखा है प्लेंटी ऑफ शुगर डेट डैश बीन सोल्ड अब प्लेंटी कहां लिखा है प्लेंटी ये लिखा है ऑफ शुगर शुगर को काउंट कर सकते हैं शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं यानी अनकाउंटेबल नाउन होगी जब अनकाउंटेबल नाउन दी जाती है इस अवस्था में इनकी अवस्था में अगर इनकी अवस्था में अनकाउंटेबल नाउन दी जाती है तो वर्ब लगाते हैं सिंगुलर अगर यहां पर होता जैसे कि बुक्स होता तो उसे काउंट कर सकते हैं काउंट करते तो प्लूरल आता हैव लेकिन इसे काउंट नहीं कर सकते शुगर को इसलिए क्या आएगा हैज अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं हैज क्लियर अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड्स वीडियो देखने के धन्यवाद जय हिंद जय भारत